बहुत ही क्रिटिकल दौर से जम्मू कश्मीर गुजर रहा है। बॉर्डर्स पूरे तरीके से आतंक की चपेट में है, बहुत ज़्यादा तनाव बॉर्डर्स के ऊपर देखने को मिल रहा है, जहां लगातार फायरिंग और मोर्टर्स पाकिस्तान दाग रहा है और लगातार बॉर्डर से पलायन हो रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर के अंदर जो है स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। कश्मीर में आतंकियों का बोलबाला है, अलगाववादियों का पूरा नियंत्रण है स्थिति के ऊपर और उनके ही डायरेक्शंस के ऊपर सरकार जम्मू कश्मीर में चल रही है। बीजेपी और पीडीपी पूरी तरीके से सरेंडर कर चुके हैं अलगाववादियों के समक्ष और उन्हीं के एजेंडा को कश्मीर के अंदर प्रमोट किया जा रहा है। अगर यही स्थिति रही तो जम्मू कश्मीर रियासत के लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकती है। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर समस्या का समाधान करना है तो बीजेपी और पीडीपी सरकार को बर्खास्त करना होगा, वरना कश्मीर हाथ से निकल सकता है। जे जम्मू कश्मीर की सरकार को और भारत सरकार को समझना होगा और ख़ास तौर पर हम भारतीय जनता पार्टी के लिए ये कहना चाहते हैं कि उसने कश्मीरी अलगाववादियों के समक्ष जो पूरे तरीके से आत्मसमर्पण किया हुआ है सत्ता के मोह में, उसकी हम कड़ी मजम्मत करते हैं और आपने अपने सिद्धांतों की जिस तरीके से बलि दे दी है पावर के लिए, वो हिंदुस्तान के लोग किसी भी कीमत पर आने वाले वक्त में बर्दाश्त नहीं करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को इसका आने वाले वक्त में एक खमियाजा भुगतना पड़ेगा।